वेब डेवलपर का कोर्स करने के बाद से आप जो है वर्क कर सकते हैं एक डेवलपर के रूप में, वेब डेवलपर के रूप में, जहां की सैलरी होती है 1 लाख प्लस होती है, इससे अधिक होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि वेब डेवलपर का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं इंडिया में और बाहर के देशों में। ये डेवलपर होते क्या हैं और इनका वर्क क्या होता है, इनकी सैलरी लगभग मैंने बताया, लेकिन इनकी सैलरी कैसे और इंक्रीज होती है और किस सिचुएशन से ये सैलरी बढ़ करके उस मुकाम पे पहुंच जाती है जिसका सपना हर एक इंसान देखता है। वेब डेवलपर एक तरह के साइट डेवलप करने के लिए कोड राइट करता है और उसके प्रोग्राम को सेट करने का कार्य करता है, इट मींस मैनेजमेंट का काम करता है। आपने CMS का नाम सुना होगा, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का वर्क भी एक वेब डेवलपर ही करता है। वेब डेवलपर दो तरह के होते हैं, जिसे हम फ्रंट एंड वेब डेवलपर के नाम से जानते हैं और बैक एंड वेब डेवलपर के नाम से जानते हैं। यहां दो तरह के कोर्स आपके साथ पास हो जाते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर कोर्स एंड बैक एंड वेब डेवलपर कोर्स। इंडिया से लेकर के पूरे वर्ल्ड में इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप जॉब के लिए किसी भी कंसल्टेंसी एजेंसी के पास आप जाइए या उनसे बात करिए तो एक नहीं हजारों की संख्या में वेब डेवलपर का जॉब उनके पास उपस्थित है और वो ढूंढ रहे हैं। अच्छे वेब डेवलपर की आज भी बहुत कमी है। फ्रंट एंड डेवलपर्स, मैंने जैसा कि बताया कि दो तरह के डेवलपर होते हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, जो कुछ भी हमको सामने दिखता है, ये लेआउट डिज़ाइन हुआ है या जो कुछ भी आप इंटरनेट में जाते हो, खोजते हो, देखते हो, ये सारा वर्क किसने किया है, एक डेवलपर ने किया है। यह एक ग्रुप वर्क होता है, एक टीम वर्क होता है जिसमें अलग अलग लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसका रोल होता है वह होता है डेवलपर का। फ्रंट एंड डेवलपर वह वर्क करता है। एक फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है उसको क्या क्या जानकारी होती है, किस स्किल्स की जानकारी होती है, ये जानकारी के बारे में हम एक नज़र बात करेंगे। एक फ्रंट एंड डेवलपर को HTML, CSS, फोटोशॉप, कोरल, फ्लैश एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो विद मल्टीमीडिया एंड मोर सब्जेक्ट की जानकारी होती है। फ्रंट एंड डेवलपर कोर्स करने के बाद आप ये सारी चीज़ों में वर्क करने के लिए एबल हो जाएंगे। यदि आपने फ्रंट एंड डेवलपर को डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कोर्स पोस्ट पे वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए आप एबल होंगे, आप परफेक्ट होंगे। इसके साथ ही आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। इसके बाद में कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कोई निश्चित एलिजिबिलिटी नहीं रखा गया है कि आप इसके बाद ही कर सकते हो। यदि आपने 10th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जॉब के लिए कुछ कंपनियों को छोड़ करके लगभग कहीं भी इसका कोई नहीं होता है कि हाँ आपने 10th किया या 12th किया है। यहाँ मकसद एक होता है, आप किस तरह का वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, किस तरह के डिज़ाइन आप करते हैं, किस तरह से कोड लिखते हैं, ये मैटर करता है। आपने कहाँ से डिग्री लिया है, आप IIT से करके आए हो कि कहाँ से आए हो, बड़े इंस्टीट्यूट से आए हो, छोटे इंस्टीट्यूट, डजंट मैटर, ये कोई मामला नहीं। आपका इसमें टेस्ट भी होता है। आप जहाँ भी जाएंगे कोर्स कंप्लीट करने के बाद से तो कंपनी आपको एक टास्क दे देती है और उस टास्क को आपको पूरा कर देना होता है, एक निश्चित टाइम होता है और उस समय में ही आपको वो सारे चीज़ें को पूरी करनी होती है। सपोज करिए कि आप एक वेब डेवलपर के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए किसी कंपनी में गए तो उस कंपनी के लोग जो HR सेक्शन होगा या इंटरव्यू लेने वाला जो पैनल होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। आपसे ऐसा नहीं कि हाँ आप क्रॉस क्वेश्चन हो रहे हैं, आपसे सवाल जवाब हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सीधा सा जनरल क्वेश्चन के साथ, सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और नॉर्मल क्वेश्चन के साथ ही आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, एक टास्क दिया जाएगा और आपको उस टास्क को पूरा करना होगा। एक टाइम आपको दे दिया जाएगा कि सर आपके पास इतना टाइम है और इस टाइम के अंदर आपको इस टास्क को पूरा कर देना है, इस वर्क को पूरा कर देना है, इस चीज़ को डेवलप कर देना है। ठीक है, अगर आपने उस तय सीमा में उस काम को किया तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। यदि कहीं वह चीज़ आप नहीं कर पाए तो शायद थोड़ा सा टाइम और लग सकता है आपको जॉब के लिए, लेकिन इसका ट्रेनिंग जॉब के लिए इंटरव्यू ऐसे ही होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर आज पूरे वर्ल्ड में एक बेहतर पोस्ट के लिए, बेहतर जॉब के रूप में फेमस हो रहा है। आप इस जॉब को कर सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में है और डेवलप करने में, वेबसाइट वगैरह में मन लगता है, डिज़ाइन करना, लेआउट करना, बनाना,
तो आप इस करियर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पैशन को साथ में रखते हुए आप बेहतर कर सकते हैं। बैकएंड डेवलपर की बात करते हैं, दो तरह के डेवलपर कोर्स हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर कोर्स है और एक बैकएंड डेवलपर कोर्स है। यह कोर्स क्या होता है, ये टोटल एक तरह का प्रोग्रामिंग होता है, कोडिंग होता है, इसे आप डायनेमिक डेवलपर भी बोल सकते हैं और फ्रंट एंड डेवलपर को स्टैटिक डेवलपर भी बोल सकते हो। बैकएंड वेब डेवलपर स्किल्स क्या क्या होना चाहिए, तो बैकएंड वेब डेवलपर के लिए आपको सर्वर साइड लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, जैसे PHP है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, jQuery फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप, SQL, अजॉग, ASP.NET, रूबी एंड अदर फ्रेमवर्क्स की जानकारी आपको होना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको है तो आप एक बैकएंड डेवलपर के रूप में वर्क कर सकते हैं और आपकी सैलरी लाखों में होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी की, तो इसका भी वही एलिजिबिलिटी है कि इसमें कोई तय सीमा नहीं है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे गूगल जैसे कंपनियां, वो प्रोग्रामर को ढूंढ रही हैं, वो डेवलपर को ढूंढ रही हैं, उसके लिए वह कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती हैं और उसके बाद उसमें वो सेलेक्ट करती हैं कि कौन सा परफेक्ट स्टूडेंट्स मुझे मिल जाए, कौन सा कैंडिडेट मुझे परफेक्ट मिल जाए। डजंट मैटर कि आपने 10th किया, आपने 12th किया, आपने जॉब ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनकी जो एक क्राइटेरिया है मिनिमम, वो ग्रेजुएशन की डिमांड करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन नहीं भी हैं और आपने बेहतर परफॉर्म किया है, बेहतर कोड राइटर हैं और डेवलप करने वाले हैं, तो गूगल ही नहीं, इसके अलावा और भी MNC कंपनियां जो हैं वह आपको बखूबी हायर करेंगी और अच्छे पैकेज पे आपको लेके जाएंगी। कोई मायने नहीं लगता है, कोई मैटर नहीं करता है कि आप ग्रेजुएट हो कि नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट डेवलपर हो और ग्रेजुएशन नहीं हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं जिनको 10+2 के बाद से गूगल ने हायर किया और हायर करने के बाद से उन्हें जॉब भी दिया और अच्छे पैकेज के साथ। लेकिन कोशिश ये रहे कि आप अगर टेक्निकल में हो तो उससे ग्रेजुएशन या तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लें तो बेहतर होगा, ताकि और भी कंपनियां जिनकी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन की वह पूरी हो जाए। वेब डेवलपर की जॉब सैलरी जो होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जॉब सैलरी इसकी बहुत ही बेस्ट होती है। इंडिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे 60,000 रुपये से 60,000 से प्लस की स्टार्टिंग्स होती है एक डेवलपर की, और इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करूं तो वहाँ पे 2 लाख प्लस होता है। ये बहुत ही मिनिमम सैलरी को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ कम या अधिक हो सकता है, इसमें कोई नहीं है, एग्जैक्ट सैलरी नहीं है। आपकी काबिलियत के अनुसार आपकी सैलरी घट सकती है और बढ़ सकती है। तो आपने देखा कि एक कोर्स करने के बाद, एक ऐसा कोर्स जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में धूम मचाए हुए है, इस कोर्स को करने से आपका करियर बेस्ट हो सकता है, आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, अब इसके बाद मायने आता है कि हम ट्रेनिंग कैसे लें, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हैं, ट्रेनिंग कैसे लें। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि उसी सिलेबस से ट्रेनिंग दे रहे हैं जो उनका पहले से सिलेबस चला रहा है, वो अपडेट नहीं होता है। हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तलाश करेंगे जिसके सिलेबस अपडेट होते हों, हमेशा अपडेट होते हैं, और उसके साथ साथ प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो कंपनियां एक्सपेक्ट कर रही हों उसके अकॉर्डिंग काम करता हो। तो एक नाम आता है जो काफ़ी फेमस नाम आता है, वह है SST इंस्टीट्यूट। SST इंस्टीट्यूट अपने जॉब प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये काफ़ी मशहूर है और अपनी स्टडी ऑफ क्वालिटी को लेकर के फेमस है। तो आप SST इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि SST इंस्टीट्यूट में जो भी फी लगती है वह बहुत ही कम लगती है। एक डेवलपर के लिए अगर फी की मैं बात करूं तो यह फीस जो है लाखों में चली जाती है, लेकिन SST की अगर हम बात करें तो यह फीस बहुत कम होती है। अगर एक एग्जांपल के रूप में मैं देखूं तो इसकी फीस लगभग 24,000 रुपये फॉर कंप्लीट कोर्स के लिए होती है। इसके साथ कोई हिडन कॉस्ट, कोई फीस नहीं होता है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। वहाँ पर जो भी बातें होती है बहुत ही क्लियर होती हैं। 36,000 का कोर्स आप करके आप 60,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक की सैलरी ले सकते हैं। 46,000 रुपये फास्ट ट्रैक कोर्स, कंप्लीट कोर्स होता है, ये उन लोगों के लिए जो पहले से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और उसके बाद इस कोर्स को करना चाहते हैं, उनके लिए कम समय में ये चीज़ें मिलती हैं, इसलिए इसकी फीस हो जाती है 46,000। ये फीस लगभग एक अनुमानित है, ये फीस
इंस्टीट्यूट का समय और उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए। एसएसटी इंस्टीट्यूट हमेशा से एक ऑफर देती है, ऑफर करती है, और उस ऑफर में उन तमाम लोगों को जिनके पास हुनर है लेकिन पैसे का अभाव है उनके लिए एसएसटी इंस्टीट्यूट वरदान साबित होती है। तो आप एसएसटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। फ्यूचर बेस्ट वेब डेवलपर में फ्यूचर जो है आपका बहुत ही बेस्ट है, आप एक बेस्ट करियर बना सकते हो। एसएसटी इंस्टीट्यूट आपके लिए ज्वाइन करना बेहतर इंस्टीट्यूट हो सकता है, जहां पे कम पैसे में बेस्ट ट्रेनिंग क्वालिटी मिलती है, साथ में आपको मिलता है हाउ टू पास इंटरव्यू, इंटरव्यू में कैसे पास करें, इंटरव्यू से जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड तमाम तरह की सभी तैयारियां कराई जाती हैं, जिसके वजह से आपका जॉब इंटरव्यू पास करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोगों ने जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा था मैंने उन सभी क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में देने का कोशिश किया, प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ ही इजाजत लेना चाहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।